बनने जा रहा है सिंघाड़ा चाट हमारा, और भैया इसे भुनेंगे रेत के अंदर। तो आज से पहले आपने सिंघाड़े बहुत बार खाए होंगे और बहुत सारी जगह खाए होंगे, लेकिन कभी आज से पहले आपने ऐसे सिंघाड़े कहीं नहीं खाए होंगे, कहीं नहीं देखे होंगे। तो भाई पूरी वीडियो को एंड तक देखना। ये देखो भैया ने रेत के अंदर जो सिंघाड़े होते हैं एकदम फ्रेश सिंघाड़े भैया ने डाल दिए हैं। अब इसे भैया रेत में फैला रहे हैं और इसे अच्छे से रेत में ढक देंगे। भाई ये देखो भाई, तो भाई जो सिंघाड़े हैं वो रेत में भैया ने ढक दिए अच्छे से। भैया कितना टाइम लग जाएगा इसे सिकने में? कम से कम 10-20 मिनट में ये जो सिंघाड़े हैं उस रेत के अंदर एकदम पक के तैयार हो जाएंगे। फिर आपको दिखाते हैं इसका टेस्ट कैसा आता है रेत में पकने के बाद। भाई रेत में भुने हुए सिंघाड़े के आज से पहले कभी आपने खाया? नहीं खाया तो दोस्तों वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, तो आप देख सकते हो कितना मजेदार तरीके से भैया इसको मिला रहे हैं। जो सिंघाड़े हैं वो अच्छे से यहाँ पे भुने जा रहे हैं और आप देखो इसके अंदर कलर आना चालू हो गया है। जो सिंघाड़े हैं कहीं कहीं से ब्लैक हो गए हैं। वाह भाई रेत में भुने हुए सिंघाड़े, ये देखो सिंघाड़े भाई, सिंघाड़े एकदम गर्मा गर्म। भाई ठंड आने वाली है और ये सिंघाड़े हमारे एकदम तैयार हो गए भैया। हाँ भाई, तो भाई ये जो सिंघाड़े हैं वो तैयार हो चुके हैं और देखो भाई गर्मा गर्म भाप निकल रही है। भैया एक एक करके चेक कर रहे हैं कि पके हैं कि नहीं पके हैं। भैया आप ग्लव्स डाल। तो भाई ये देखो जो एक्स्ट्रा रेत है वो भैया इसमें से निकाल रहे हैं छन्नी से, और उसके बाद ये इसकी चाट बनेगी। तो भाई ये सिंघाड़े एकदम तैयार हो चुके हैं और भैया इसे छील रहे हैं। तो अब इसकी चाट बनाओगे भैया? भाई सिंघाड़े देखो एकदम पकने के बाद रेत में कैसा लग रहा है, एकदम बेहतरीन। अब इसका स्वाद जो है बिल्कुल डिफरेंट आएगा क्योंकि ये रेत में भुना गया है। तो हमारे सिंघाड़े हैं वो छिल चुके हैं, अब भैया इसके अंदर चटनी डालेंगे। भैया कौन सी वाली चटनी है? ये टमाटर की है। ये टमाटर की चटनी है? टमाटर। अच्छा, इसमें डालेंगे मसाले। मसाले डालने के बाद भैया डालेंगे इसमें नींबू। भाई ये नींबू डल चुका है, तो ये तैयार हो गया। वाह भाई वाह, ये सिंघाड़े एकदम रेडी हो चुके हैं। तो भाई क्या नाम है आपका? शिवा। शिवा, तो भैया आप यहाँ पे लगा कर रहे थे, टाइमिंग वगैरह कुछ बता दो अगर कोई आना चाहता है तो। 11 बजे से रात को 10 बजे तक। और एड्रेस अगर किसी को आना हो तो? आरोग्य हॉस्पिटल के सामने। आरोग्य हॉस्पिटल के सामने, चित्रा विहार रोड। तो आपका इसमें कुछ बच नहीं पाता है? अभी तो 100-200 बच रहे हैं, ज्यादा 100-200 ही बच रहे हैं। 100-200 कमा लेते हैं, वही घर का खर्चा चल जाता है। तो भाई देखो इतनी मेहनत कर रहे हो और सिर्फ 100-200 ही कमा पाते हो आप? क्या करूं भाई साहब, तो भैया कभी सस्ता होएगा। आप मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ाएं, और हो सकता है मेरी वीडियो देख के हमारे कस्टमर ज्यादा बन जाएं। मेरी वीडियो शेयर कर सकते हो तो मेरी मदद थोड़ी सी और आ जाएगी। इसे टेस्ट करते हैं और फिर आपको बताते हैं इसका टेस्ट कैसा है। काफ़ी अलग टेस्ट आ रहा है। नॉर्मली सिंघाड़े हमने उबले हुए भी खाए हैं जो मार्केट में बिकते हैं, लेकिन इसका टेस्ट काफ़ी बेहतरीन लग रहा है। आपने ना वो खाया होगा खीरा, थोड़ा थोड़ा खीरे जैसा फ्लेवर आ रहा है। आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मिलते हैं एक और मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा सी यू।